अब नेक्स्ट हमारा है बास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो हमारी ये वाली थ्योरी है, इसके बारे में समझ लीजिए, छोटी सी थ्योरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा है ना मैंने बास, इसके सबके अलग अलग मतलब है, PASS, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसे पूछ लेते हैं कि पी से आपका क्या मतलब है, ए से क्या मतलब है, एस से क्या मतलब है, एस से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझ लेते हैं। और ये वाली आपकी जो थ्योरी दी है, यानी कि पास मॉडल थ्योरी, वो आपकी जेपी दास, जैक नागलेरी और किर्बी ने दी है, ठीक है। जेपी दास, नागलेरी एंड थर्ड है हमारी किर्बी। इस ये जो हमारी थ्योरी दी गई है पास मॉडल थ्योरी, वो हमारी जेपी दास, नागलेरी और किर्बी ने दी है। ये तीनों इसके संस्थापक हैं, यानी कि प्रतिपादक हैं, यही इस मॉडल को लेकर आए थे। तो इसके अंदर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनते हैं, यही छोटे से पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट पास मॉडल किसने दिया। तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको ईजी हो लर्न करने में। और पास मॉडल में ये जो पास है PASS, उसको किस रूप में रखा गया है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है और उसका मतलब क्या है। देखिए, पास में जो पी है वो हमारा इंडिकेट करता है प्लानिंग, यानी कि योजना, ठीक है। तो पी फॉर प्लानिंग, यानी कि योजना। हम अगर कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम प्री प्लान करते हैं, मतलब पहले प्लानिंग करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम होता है, उसको पहले ऑर्गेनाइज करेंगे तभी तो आप उसका काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, घर पे मम्मा को आपने देखा होगा सब्जी बनाते हुए, ऐसा तो नहीं है ना वो कच्ची सब्जियाँ डायरेक्ट उठाती हैं अपने बकेट में से और जाके कढ़ाई में ऐसे ही डाल देती हैं, छोंक देती हैं, नहीं ना। सब्जी बनाने से भी क्या है, वो पहले प्लानिंग करती हैं। क्या करती हैं, आपको आलू गोभी बनाना है तो पहले वो गोभी काटेंगी, आलू काटेंगी, मसाले तैयार करेंगी और फिर वो मसालों का पेस्ट बनाएंगी, फिर तेल चढ़ाएंगी। ये सारे क्या है, एक सीक्वेंस वे में वो काम करती हैं, एक प्लानिंग करती हैं ताकि सब्जी टेस्टी बने, ठीक है। तो इसीलिए आप भी जो भी कोई काम करेंगे उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जैसे कल हमारे यहाँ पे भी एक बर्थडे ऑर्गेनाइज हुआ था हिमांशु सर का, तो इसीलिए मेरे एकदम दिमाग में ये आया कि हाँ बर्थडे से रिलेटेड आपको बताती हूँ कुछ। तो अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, बर्थडे प्लान कर रहे हैं किसी का, तो उसमें भी क्या है, आपको पहले सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किसका बर्थडे है, किस टाइम पे रखना है, वेन्यू क्या होगा, मेन्यूज़ क्या होंगे, और आपको केक किस टाइप का मंगाना है, किन किन को इनवाइट करना है, डेकोरेशन कैसा करना है, और जो एक्टिविटीज़ करवानी है, आपको रखनी है नहीं रखनी है, वहाँ पे जो लोग आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं, मतलब अगर ठीक है काफ़ी मेच्योर लोग हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो आप वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ रख सकते हैं। लाइक फ्रेंड सर्कल है तो आप वहाँ पे मौज मस्ती, सॉन्ग्स वगैरह कोई भी किसी भी टाइप के रख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आपकी फैमिली भी इंक्लूड हो रही है तो आप थोड़ी सभ्य बन के, डिसेंट बन के थोड़ा बर्थडे प्लान करेंगे ताकि उन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उनको भी अच्छा लगे और वो भी हमारे साथ क्या है प्रॉपर वे में एडजस्ट कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, किसी भी काम को करने के लिए हम पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं ताकि जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उनको अचीव कर सके। अब एक बर्थडे जो हमको प्लान करना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो जो बर्थडे बॉय है उसको सारी हैप्पीनेस देनी, उसका डे स्पेशल बनाना, उसको खुशी होए कि सब मुझे चाहते हैं, या मेरा स्टाफ इतना अच्छा है, या मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मेरे बारे में सोचती है, मुझे प्रॉपर अटेंशन देती है, मेरे लिए लविंग है, मेरे लिए केयरिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम पहले एक माइंड में थॉट होती है कि हाँ ये सारी चीज़ें उनको लगे, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। और जो आपकी मॉम है वो सब्जी बना रही है घर पे, तो वो उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ थॉट्स होंगे, वो चीज़ करते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स माइंड में होंगे कि हाँ फैमिली को पसंद आएगी,
टेस्ट अच्छा लगेगा, वो मेरी तारीफ़ करेंगे या नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी, एक तरह से उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, आप आगे भी ऐसे ही बनाना, या वो खुद टेस्ट करेंगे तो अपने फ्रेंड को टेस्ट करवाएंगे तो उनका और उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें या कुकिंग वो अच्छी करती हैं। तो इस तरह से इसीलिए पास मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारी प्लानिंग की योजना बनाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा अटेंशन, ए फॉर अटेंशन। ए फॉर अटेंशन, अब अटेंशन से क्या मतलब है कि अवबोध करना, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको किसी भी काम के लिए अटेंशन देना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे तो वो काम ख़राब हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ, उस टाइम पे मुझे प्रॉपर अटेंशन किसको देनी चाहिए, स्टडीज़ में। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे कानों में ईयरफोन और हेडफोन्स लगा लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ते हैं, तो उनका माइंड क्या है, डाइवर्ट हो जाता है। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैं मान सकती हूँ कि उनको विदाउट सॉन्ग या फिर जब तक म्यूज़िक ना मिले तब तक वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, राइट। अगर उनको मिल रही है सारी चीज़ें तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। और कुछ बच्चों का ये होता है कि उनको बहुत डिस्टर्बेंस लगते हैं ये सारी चीज़ें, उनको बस अकेले कमरे में बंद कर दो, वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप दो काम एक साथ कर रहे हो, लाइक आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो और अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हो, तो किसी ना किसी रूप में आपका माइंड डाइवर्ट होना ही होना है। अगर आप पूरा एक पैराग्राफ पढ़ते हो ना, उसमें से आपको दो ही चीज़ लर्न रहेंगी, तीन आप भूल जाओगे, ये फैक्ट है। ये नहीं मैं कह रही कि आप सब भूल जाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप वहाँ पर मिस कर दोगे, क्योंकि आपकी जो अटेंशन है वो टू डायरेक्शन में डिवाइडेड है। आप दो डायरेक्शन में अपनी अटेंशन दे रहे हो, एक म्यूज़िक पे ध्यान है आपका कि उसका साउंड कैसा है, लिरिक्स कैसे हैं, और दूसरा ध्यान कहाँ पे, आपका पढ़ाई पे है कि वो चीज़ क्या आप बोल रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो कर रहे हो। तो उसमें से क्या होगा, आपको आधा लर्न होगा और आधा आपकी मेमोरी से लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एज अ टीचर, आपकी टीचर है क्लासरूम में, अगर वो आपको बोलती है कि मैं आपका कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूँगी, मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है मैथ साइंस जो भी कॉन्सेप्ट आप उनसे अपनी टीचर से पढ़ते हैं, तो वो आपका सरप्राइज टेस्ट कभी भी रख लेंगी, तो आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जलेगी कि ओ माय गॉड सरप्राइज टेस्ट, यानी कि मैम ने जितना भी अभी तक सिलेबस कराया है, क्या वो 5 चैप्टर हो 10 चैप्टर्स हो, तो उसके बीच में से मैम कहीं से भी पूछ लेंगी, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैम आपको बता दें कि हमें इन 3 चैप्टर्स का टेस्ट लूँगी, तो आप एकदम अटेंशन उन्हीं 3 चैप्टर्स पे दोगे कि हाँ 1, 2, 3 का मैम ने टेस्ट लेने के लिए बोला है सरप्राइज़, और वो कभी भी ले सकती है। तो सारी अटेंशन क्या होगी, बाकी चीज़ों को छोड़ के आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, बाकी चीज़ें करोगे, मतलब आपको होमवर्क मिला है वो भी करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाओगे, खेलोगे भी, सब चीज़ें करोगे, लेकिन जो ज़्यादा अटेंशन होगी ना पढ़ाई के टाइम पे, ज़्यादा टाइम देने वाली बात होगी, एक प्रॉपर वे जो होगा आपका, आपका उस टाइम पे वो तीनों चैप्टर्स के ऊपर रहेगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज मैम कभी भी सरप्राइज हमारा ले सकती है। तो वो होती है अटेंशन करना, अटेंशन करना यानी कि अवबोध करना, उसके द्वारा एक तरह की एक डायरेक्शन में किसी बच्चे को मोड़ देना कि आपको यहीं पर प्रॉपर अटेंशन प्रोवाइड करानी है। ओके, लास्ट के जो हमारे डबल एस हैं वो आपस में रिलेटेड है, इसीलिए मैं एक साथ समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, सिमुलेशंस और सक्सेसिव, इसके अंदर क्या बात रखी गई थी, इसके अंदर बोला था कि हम कोई भी चीज़ जब करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई प्लानिंग हो, या कोई भी आप कोई भी एल्सेट्रा, मतलब एनीथिंग, आप घर से रिलेटेड कर रहे हो, स्टडीज़ से रिलेटेड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने समाज के लिए कर रहे हो, तो वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनके, उनको आपस में को रिलेट करना सीखो, उनको आपस में जोड़ते हुए किसी चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करना सीखो। अगर मैं बर्थडे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं बर्थडे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कहीं पर, किसी के लिए, सर के लिए, या फिर अपनी फैमिली में से अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, या अपने हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ,
तो वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं उठाऊंगी ना उस डे को स्पेशल बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स कि उसके अंदर वो कौन बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आ गए. कि आप सोचोगे एक स्पेशल बर्थडे केक होना चाहिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट, उनके पुराने फ्रेंड्स को बुलाना चाहिए ताकि उन्हें बहुत अच्छा फील हो. उनके लिए कुछ स्पेशल कोई स्टोरी टेलिंग, पोएट्री या फिर सॉन्ग्स वगैरह रखने चाहिए, या कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे, और पूरा प्रॉपर फोटो सेशन होना चाहिए. तो इस टाइप से क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं. आप जब छोटे छोटे इन सन प्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट्स को उठाकर एक चीज़ इंक्लूड करके बनाते हो ना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है. तो इसीलिए लास्ट के जो हमारे डबल एस के पॉइंट्स हैं कि सक्सेसिव और स्टिमलेस के लिए हमें किसी भी रूप में अगर काम करना हो तो वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जोड़ना आना चाहिए. उनके मैरिट्स और डीमैरिट्स आपको पता होने चाहिए. अगर आपको उनके मैरिट्स और डीमैरिट्स के बारे में जानकारी है तभी आप उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हो एक अच्छी चीज़ बनाने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पास मॉडल था. इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे कि पी फोर, ए फोर और डबल एस फोर क्या है वो आपको याद रखना है, और किसने दिया ये आपको याद रखना है, और आप इसको कैसे भी आपस में कोरिलेट करके पढ़ लीजिए, जैसे भी आपको इजी लर्न करने के लिए लगे वैसे आप इसको समझ लेना. ठीक है, थैंक यू सो मच.